बेल आइकन दबाइए और हैप्पी फाइव के अपडेट्स पाइए। ब्रो, क्या आप शोर हो या आपके फैंस ही है जो बाहर शोर कर रहे हैं? विठाल, स्मेल मी। शाहरुख और सलमान के घर के बाहर भीड़ देखी है? ये लोग बस अपने ब्रो से मिलने आए हैं। मेरे कोई मिल गया का जादू के एक्सटेंडेड सीन्स अब जाकर यूट्यूब पर रिलीज हुए हैं। इन्होंने देख लिए होंगे, पगला गए हैं। विठल, ब्रो। राहुल यार, तेरी कभी मैसिव फैन फॉलोइंग रही है? तुझे पता है ये लोग अपने स्टार्स को कितना पैशनेटली फॉलो करते हैं। विठल, डोंट फॉलो मी। ये फैंस अपने स्टार को देखना चाहते हैं, उनके साइड किक्स को नहीं। कड़ी लगा रे, कड़ी लगा। ब्रो, लगता है आपके फैंस को आपके सीन्स पसंद नहीं आए। अबे, इन्होंने मेरे सीन देखे नहीं है, ये तो कोई और बात को लेके अपसेट है। कौन सी बात? ये लड़के कह रहे कि पूरे बॉयज हॉस्टल के सारे हार्ड डिस्क से पोर्न गायब हो चुका है। क्या? किसी ने सिस्टमैटिकली आकर सबके हार्ड डिस्क से 250 टीबी तक का पोर्न डिलीट कर दिया। मतलब पूरे हॉस्टल में पोर्न डिलीट हो गया? मतलब ब्रो, हम पूरे हॉस्टल पे पोर्न की मोनोपोली चला सकते हैं। हैशटैग पोर्नोपोली। सलमान खान के भी कपड़े फटते हैं क्या? नहीं 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 ब्रो। क्या हुआ? ब्रो, मेरा सारा पॉन डिलीट हो गया और आपका भी। मैन उंगल, गर्ल उंगल, ओल्डर मैन उंगल, मिल्फ उंगल, मिल्फ वन हॉर्स, टू गर्ल्स वन मैन, टू मिल्स वन कप, टू मिल्फ वन गर्ल, वन हॉर्स सेवन कप, सब गायब है। अरे सब गायब है। किस टाइप का गटर का कीड़ा देशद्रोही हॉस्टल के सारे लड़कों का पॉन डिलीट कर रहा है? राहुल, सारे प्राइम सस्पेक्ट्स को इकट्ठा कर। दिस इज अ क्लियर केस फॉर ब्रोमकेश बख्शी। ऑर्डर, ऑर्डर, ऑर्डर। परितोष, कॉलेज का सबसे बड़ा ठरकी। शांताबाई, जो सफाई करने के लिए लड़कों के कमरों में अचानक घुस जाती है और जिसे रोज वो ऑकवर्ड मोमेंट टॉलरेट करना पड़ता है। पांडे, कॉलेज का हेड पीयू, जो कॉलेज के बाहर सॉफ्टवेयर के नाम पे सॉफ्ट पॉर्न बेचता है। और सिड, कॉलेज का सबसे तेज हैकर। इन सारे हैकर्स को असली सेक्स से ज्यादा इमेजिनरी सेक्स पसंद है। इतने सालों में मैंने इतनी कमीनी हरकत करते किसी को नहीं देखा। पॉन यहां के लड़कों के लिए एक वे ऑफ लाइफ है। ये मिल्फे सिर्फ हॉट मामास नहीं, बल्कि हम लड़कों के लिए एक फ्रेंड, फिलोसोफर और गाइड होती हैं। पॉन इज एवरी ब्रोज बेस्ट फ्रेंड, और तुम में से किसी एक ने हॉस्टल का सारा पॉन डिलीट कर दिया। प्रो कोड केस नंबर 389, हॉस्टल का सारा पॉन किसने डिलीट किया? सस्पेक्ट नंबर 1, परितोष जाधव, हॉस्टल का सबसे हॉर्नी लड़का। एक्सट्रीम फ्रिक्शन की वजह से इसकी पाम पे बाल उगने लगे।
लेकिन मैं क्यों पॉन डिलीट करूंगा, मेरे खुद के सप्लाई के वांदे हो गए। ब्रो बात तो सही कह रहा है। थिंक राहुल थिंक, हॉस्टल के सारे लड़के इसका मजाक उड़ाते हैं लेकिन इसी की हार्ड डिस्क से अपने लिए पॉन कॉपी करते हैं। इसने हॉस्टल के लड़कों को उंगली दी और उन्होंने ही इसके कान में मूंद दिया। नहीं ब्रो ऐसा कुछ भी नहीं है, किसी ने मेरे कान में नहीं मूंदा। मैं अपने हॉस्टल के लड़कों को पॉन देता था तो कभी कभी वो भी मेरे लिए चिकन रोल और दायू लेके आया करते थे, भला मैं ही उनके साथ इतना घिनौना मजा क्यों करूंगा। सस्पेक्ट नंबर टू, इंजीनियरिंग कॉलेज का हेड पीयून हनुमान। अम्मा कसम ब्रो, मैंने कुछ नहीं डिलीट किया, मुझे तो कंप्यूटर चलाना ही नहीं आता। झूठ मत बोल, कॉलेज के गेट के बाहर जो डीवीडी का स्टॉल है तेरा, वो तेरे ही टॉरेंट सप्लाई पे चलता है। लड़कों के पास खुद का पॉन नहीं होगा, वो तेरे पास ही आएंगे ना। बनिए का दिमाग और हेड पीयून की डेयरिंग। हाँ ब्रो भैया, आजकल तो सारा टोरेंट वेबसाइट डाउन चल रहा है, उल्टा मैं कॉलेज के लड़कों से बीपी लेकर के बाहर बेच रहा हूँ। अब सारा मार्केट तो यूट्यूब खा गया, लोग किमी काट का टाजन का वीडियो देखकर काम चला रहे हैं। बेचारा गरीब मानुस वीडियो बेचे तो किसको बेचे, कहाँ बेचे। शिवा 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 शिवा। शांता भाई मजे ले रही है। सस्पेक्ट नंबर थ्री, लड़कों के कमरों में सफाई करने वाली शांता भाई। नहीं रे देवा, मैं तो गंदे वाले वीडियो के पास भी गई ना तो उपवास रखती हूँ। हाँ मेरी आंखों में देखो शांता भाई, जब तुम अचानक लड़कों के कमरे में झाड़ू लगाने पहुंच जाती हो तो वो कौन सा वीडियो देख रहे होते। आगा भाई मुझसे नहीं बोला जाता। मेरी आंखों में देखो, बोलो शांता भाई वो क्या देख रहे होते हैं। हॉट मेड गेट्स डिसिप्लिन, बस खुश। कोई गोरा आदमी ठीक से सफाई नहीं करने के लिए अपनी मेड को स्पैंक कर रहा होता है। ब्रो शांता भाई को स्पैंकिंग भी पता है? अरे स्पैंकिंग, फिस्टिंग, डीप थ्रोट, स्कैट सब जानती हूँ मैं। अभी इतने सालों से लड़के लोग का कमरा साफ कर रही हूँ मैं। जब मैं आती हूँ ना तो ये लोग वीडियो बंद नहीं करते, हेडफोन लगाते हैं। अभी बोलो क्या हेडफोन लगाने से वीडियो देखना भी बंद होता है क्या? शिवा शिवा शिवा। ब्रो इसका मतलब शांता भाई ने सबका पॉन डिलीट किया है? नहीं रे देवा, कभी नहीं। ब्रो मेरा विश्वास करो, मैं तो सिर्फ धूल और मिट्टी डिलीट करती रे बाबा, और कुछ नहीं। बकवास, मेरे सारे हार्ड ड्राइव पे 3-3 इंच की धूल जमा हुई है। और ये है वो हैकर जो अकेला अपने लैंड पर से लोगों के हार्ड डिस्क से डेटा डिलीट कर सकता है। ये क्या वेस्ट ऑफ टाइम है ब्रो, अब इन सब का पॉन डिलीट करके मुझे क्या मिलेगा? Man, वैसे भी दिस डेज आई डोंट यूज पॉन, आई हैव अ गर्लफ्रेंड। कांग्रेस ब्रो, कांग्रेस। थैंक्स 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 थैंक्स। तेरी गर्लफ्रेंड कब बनी? यही 2 हफ्ते पहले। सब सही चल रहा है? सब सही चल रहा है ब्रो, मैं उसके पीछे पागल हो गया हूँ ब्रो। तुम बिल्कुल, मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। राहुल, हॉस्टल के लड़कों के हार्ड डिस्क से सारा पॉन गायब हो जाए तो सबसे बड़ा फायदा किसको होगा? इंडिया का। नहीं बे चोम, बॉयज हॉस्टल के लड़के अगर खुद की ही जरूरतें ना पूरी कर पाए तो डिमांड तो लड़कियों की ही बढ़ेगी ना। बात तो सही है ब्रो, सबसे ज्यादा फायदा लड़कियों का ही होगा। आप कहना क्या चाहते हो ब्रो? विठल, जस्ट स्मेल हिम। छोट, कैंटीन का राजमा, हल्का यूरिन का स्मेल और एलोवेरा मॉइस्चराइजर। वही मॉइस्चराइजर जो इसकी नई बनी गर्लफ्रेंड लगाती होगी। तेरी गर्लफ्रेंड ने तुझसे कहा कि हॉस्टल के लड़के लड़कियों को घास ही नहीं डाल रहे क्योंकि वो सेल्फ सेटिस्फाइड है, इसीलिए इसने सारे लड़कों के हार्ड डिस्क में से पॉन गायब कर दिया। मेरी आंखों में देख। नहीं ब्रो ये झूठ है। यही सच है, वरना खा कसम अपनी 3 वीक एनिवर्सरी की। कहा हाँ सच है ये। दो मिनट के सेक्स के लिए तूने अपने सारे ब्रोस को धोखा दे दिया। 2 मिनट नहीं ब्रो, 1.5 मिनट। और मैं करता भी क्या, मुझ जैसे हैकर ने पूरी लाइफ में कोई लड़की करीब से नहीं देखी होती।
कॉन्फिडेंस में ले लिया था ब्रो उन लोग ने मुझे, पर मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट 1.5 मिनट था। कुछ टाइम पहले तो मैं 145 तक पहुंचा था। राहुल, इस सिड ने ब्रो विधान का सबसे एलिमेंट्री और सबसे बड़ा रूल तोड़ा है, ब्रोस बिफोर होस। हैशटैग ब्रोस बिफोर होस। कितना रिस्पेक्ट करते हैं हम अपनी होस को, लेकिन ये होस ब्रोस की सबसे बड़ी दुश्मन होती है। किसी भी होस एक ब्रो की खुशी देखी नहीं जाती। होस के दिमाग की वायरिंग ही ऐसी होती है। तेरी हो कितनी भी हॉट हो, एक दिन तेरा दिल कुचल कर उस पर टट्टी करके चली जाएगी, तब ये तेरा ब्रो तेरे काम आएगा। और इसीलिए किसी ऐरी गैरी हो के लिए अपने ब्रो को दगा देना ब्रो कोड का सबसे बड़ा वायलेशन है। ब्रोस बिफोर होस, ब्रोस बिफोर होस, ब्रोस बिफोर होस। ब्रो प्लीज मुझसे मेरी खुशी की ये 1.5 मिनट मत छीनिए। मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं इन सबको अपना पॉन्ड वापस दे दूंगा। अगर भाई मेरा कौन सा पॉन्ड? मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ इन हैकर्स को। इनको 1.5 मिनट के रियल सेक्स से ज्यादा वर्चुअल सेक्स में मजा आता है। इनकी इमेजिनेशन रियल लाइफ से ज्यादा ही हाई रेज होती है। तो अब तेरी इमेजिनेशन हॉस्टल के हर लड़के के लिए पॉन्ड बन जाएगी। मतलब फिर वो बिकनी वाली लड़की कहती है, हाय मेरा नाम लिली है, मेरी स्ट्रिंग की गार्ड जरा बांधोगे क्या प्लीज? नहीं यार, फील नहीं आ रही। ओके शांता भाई, शांता भाई एक लड़की के रूम में घुस जाती है। वो पूरी भीगी हुई है क्योंकि बाहर बारिश हो रही है। कंटिन्यू फिर। और फिर वो लड़के से कहती है, लाओ मैं लगा दूं पोचा। सो डर्टी, कैरी ऑन। और फिर वो लड़का कहता है, हाँ लगा दूं। और जैसे शांता भाई पोछा लगाने बैठती है उसका पल्लू नीचे गिर जाता है। यार उस वक्त मैं काश 3 इंच और लंबा होता। अच्छा कफ ना कफ सिरप की एड वाला बीमार बच्चा आप ही थे क्या? वो हमारे कॉलेज में दूसरा सेलिब्रिटी भी है। दूसरा पहला कौन है बे? अरे हम है ना यार YouTube के स्टार्स। Hey guys, this is Funk You. So guys, hope ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। और guys, इससे भी ज्यादा धमाल होने वाला है नेक्स्ट एपिसोड में, जो कि ग्रैंड फिनाले है, क्योंकि ब्रो के साथ मस्ती करने आ रहे हैं हम लोग। और गाइस प्लीज वो एपिसोड को देखना और बहुत सारा प्यार देना। एंड प्लीज सब्सक्राइब टू हैप्पी फाइव। ऑर्डर ऑर्डर खुले फाटक मत कर नाटक, ब्रो की कोर्ट में हंगामा 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 भाई हंगामा भाई हंगामा भाई हंगामा। आम के आम गुटली के दाम, प्रस्तुत करता प्रोविधान प्रोविधान।